हिंदू पंचांग के हिसाब से भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से पितृपक्ष की शुरुआत हो जाती है और इसका समापन अश्विन मास की अमावस्या तिथि को होता है। पितृपक्ष की अवधि में पिंडदान करना, तर्पण करना, श्राद्ध कर्म करना आदि शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष में पूर्वज अपने परिवार के सभी सदस्यों से मिलने के लिए धरती पर आते हैं। वहीं शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि इस दौरान तर्पण और कर्म करने से पितरों को तृप्ति प्राप्त होती है, साथ ही सौभाग्य में भी वृद्धि होती है। वैसे तो पितृपक्ष में कोई भी नया सामान खरीदना अशुभ माना जाता है, लेकिन पितरों के लिए खरीदना उत्तम फलदायी माना जाता है। आइए विस्तार से जानते हैं। पितृपक्ष के दौरान काला तिल खरीदना शुभ फलदायी माना जाता है। पितरों के श्राद्ध और तर्पण करने के लिए तिल का उपयोग विशेष रूप से किया जाता है। आपको बता दें, भगवान विष्णु को काले तिल बेहद प्रिय हैं। पितृपक्ष में इसे खरीदने से पितृ दोष से छुटकारा मिल जाता है। पितृपक्ष में नए वस्त्र खरीदना शुभ माना जाता है। आप पितरों के निमित्त नए वस्त्र खरीदें और पितरों को अर्पित करें। इससे पितर बेहद प्रसन्न होते हैं और सुख शांति का आशीर्वाद देते हैं। शास्त्रों में पितृपक्ष के दौरान चमेली का तेल खरीदना उत्तम फलदायी माना जाता है। साथ ही इसे पितरों को अर्पित अवश्य करना चाहिए। इससे पितर तृप्त होते हैं और घर परिवार के लोगों को सुख समृद्धि और शांति का आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष में चावल खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। आप श्राद्ध में पितरों के निमित्त कच्चे चावल अर्पित करें। बता दें, चावल को चांदी के समान माना जाता है, इसलिए पितरों को ध्यान करके आप कच्चे चावल का दान कर सकते हैं। इससे धन धान्य में वृद्धि होती है।